मेजॉरिटी टाइम्स जब हम रात को गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, जो ऑनकमिंग ट्रैफिक का हाई बीम रहता है वो हमारे आंखों पे डायरेक्टली पड़ता है और ड्राइविंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और परेशानी भरा बना देता है। इसमें कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट या एनहेंसमेंट ला सकता है? टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो महज स्मार्टफोन्स और स्मार्ट घरों में ही जो है सीमित नहीं रह जाती है। आज के दौर में दोस्तों हमारे कार्स जो है वो भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं और यहाँ पे दोस्तों मर्सिडीज बेंज ने जो है इस सबसे बड़े प्रॉब्लम का जो है इलाज निकाल दिया है, हमारे ड्राइविंग के ओवरऑल एक्सपीरियंस को भी जो है दोस्तों हमेशा के लिए चेंज करके रख देगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। गाइस, मेरा नाम है रिद्धिमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऑटोमोटिव की दुनिया से कुछ ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। बात करते हैं मर्सिडीज बेंज के डिजिटल हेडलैम्प टेक्नोलॉजी के बारे में। हम इसे कई लोग जो है जानते होंगे कि एडैप्टिव हेडलैम्प टेक्नोलॉजी क्या है। तो गाइस, एडैप्टिव हेडलैम्प टेक्नोलॉजी का ही जो है एक मोर एडवांस्ड एंड मोर स्मार्टर फॉर्म है ये मर्सिडीज बेंज का डिजिटल हेडलैम्प टेक्नोलॉजी। एडैप्टिव हेडलैम्प की बात करूं तो आपको पता ही होगा कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स, जहां पे दोस्तों जब भी हम अपने कार के स्टीयरिंग को टर्न करते हैं उसके हिसाब से ही जो है दोस्तों हमारे कार के हेडलैम्प्स जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब ये मोस्ट ऑफ द कॉमन कार्स में तो आज के डेट में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ उनके टॉप ऑफ द वेरियंट्स में या फिर जैसे XUV500 वगैरह में जो है दोस्तों ये फीचर आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिजिटल हेडलैम्प टेक्नोलॉजी की तो ये दोस्तों एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। जब हम बात करते हैं डिजिटल हेडलैम्प टेक्नोलॉजी की तो ये आपको देता है डैजल फ्री HD लाइटिंग, यानी कि हाई डेफिनेशन लाइटिंग ऑन दी रोड। ये हाई डेफिनेशन लाइट जो है अपने ऑनकमिंग ट्रैफिक को जो है किसी भी तरीके से चौंधियाता नहीं है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है और इसके अलावा ये आपके एवरीडे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत ही सेफ और बहुत ही कंफर्टेबल बना देता है। यहाँ पे दोस्तों मर्सिडीज बेंज जो है यूज करता है चिप्स अपने ईच हेडलैम्प में, जहां पे इस चिप के सरफेस में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन माइक्रो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि दो हेडलैम्प्स मिला के होते हैं 2 मिलियन माइक्रो रिफ्लेक्टर्स। अब ये जो माइक्रो रिफ्लेक्टर्स है दोस्तों ये जो है प्रोग्रामेबल है और कंट्रोलेबल है, यानी कि कार का कंप्यूटर जो है इस माइक्रो रिफ्लेक्टर्स को जो है कंट्रोल कर सकता है और ऑन द गो जो है ये अपने बीम को एडजस्ट कर सकता है। अब दोस्तों क्योंकि माइक्रो रिफ्लेक्टर्स कंट्रोलेबल है और एल्गोरिथम्स जो हैं इसके काफी ठोस बनाए गए हैं मर्सिडीज बेंज के द्वारा, तो ये जो है दोस्तों आपस में मिलके एक बहुत ही स्मार्ट ऑन रोड कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं जो अपने कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग को एनालाइज करता रहता है और उसके हिसाब से जो है अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। ना ही ये दोस्तों अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, ये जो है आपको वाइटल विजुअल इंफॉर्मेशन भी जो है देता रहता है, यानी कि मर्सिडीज बेंज के जो ड्राइवर्स हैं उनको जो है वाइटल विजुअल इंफॉर्मेशन जो है ऑन द रोड ऑन द गो जो है मिलता रहेगा थैंक्स टू दिस डिजिटल लाइटिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो है जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो ये जो है टर्न्स में हिली टर्न्स में जो है दोस्तों GPS नेविगेशन के डेटा को लेते हुए पहले आपको जो है पहले से ही एक्स्ट्रा लाइटिंग दे देगा। इसके अलावा ये जो है रोड पे ही आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स बना के जो है आगे आने वाले किसी भी चीज किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन का जो है आपको पहले से ही उसका आपको चेतावनी दे देगा। तो ये सारी चीजें मिलके जो एक बहुत ही स्मार्ट कम्युनिकेटिव हेडलैम्प टेक्नोलॉजी बनाता है। इसके द्वारा जो है दोस्तों आप पेडेस्ट्रियन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑनकमिंग ट्रैफिक से कम्युनिकेट कर सकते हैं, GPS के द्वारा लिए गए डेटा से जो है आपको एडवांस वार्निंग्स वगैरह मिलते रहेगी। तो इससे जो है आपका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। इंडिया के ड्राइविंग की जो हम बात करें, जहां पे हम सबसे बड़े प्रॉब्लम को डे टू डे ड्राइविंग में देखते हैं वो है लोग जो है अपने कार को हमेशा ही हाई बीम पे चलाते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की बदौलत दोस्तों हाई बीम पे भी गाड़ी जो है आपके आंखों को जो है डेजल आउट नहीं करेगी। इससे जो है ऑनकमिंग ट्रैफिक भी सेफ रहता है और आप एज अ ड्राइवर भी जो है सेफली गाड़ी को चला सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है, वाइटल विजुअल इमेजेस एंड सिंबल्स प्रोजेक्ट करके जो है आपको पहले से ही अवेयर कराता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके अडैप्टिव लाइटिंग टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एनहांस्ड है कि ये जो है अपने जरूरत के हिसाब से आपको बेस्ट लाइटिंग जो है देता रहता है।
रहेगा ऑन रोड और ये जो है आपके ड्राइव को ओवरऑल काफी सेफर बना देगा। ये दोस्तों सिर्फ एक लग्जरी फीचर है बट ये जो है दोस्तों आपके ओवरऑल ड्राइविंग को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और सेफ बना। मैं ड्राइविंग के दौरान कार्स के हेडलैम्प्स जो है सबसे वाइटल पीस ऑफ इक्विपमेंट होते हैं और इसको जो है मर्सिडीज बेंज ने हमेशा के लिए जो है रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है विद दिस डिजिटल लाइटिंग टेक्नोलॉजी। ये दोस्तों एचडी लाइटिंग टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है और साथ में दोस्तों ये जो है हमारे ड्राइविंग को हमेशा के लिए चेंज करके रख देता है। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। विद दिस गाइस जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गेयर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।